इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज बाबर सत्तार अदलिया में मुबैना मुदाखलत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खत लिखी छो है। जस्टिस बाबर सत्तार इंकशाफ किया है ऑडियो लीक्स केस में खेस सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल पारा पैगाम दिनों वो तो सर्विलेंस के स्क्रूटी करते हटी वनो। जस्टिस बाबर सत्तार लिखो तो इन अड़ी तरह की धमकी वे हरबे से का भी तवज्जो न दिनी। उन यो न समझो तो अड़े पैगाम से इंसाफ के अमल के काफ़ी नुकसान पहुँचने जो खतरो है। जरियन मूजिब खत में लिखो वो है ऑडियो लीक्स में गुझन और तहकीकती इदारन के अदालत नोटिस भी मोकलिया लागापियल वजारतुन रेगुलेटरी बॉडीज ISI IB FBI के भी नोटिस मोकलिया वह अदालत PTA पेमरा के भी नोटिस जारी किया हुआ। बे तरफ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान चयो तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुदाखलत जो तासर दिनों पे वे रियासत जहाँ भी कुछ हसास मामला हूँ। सर्विलेंस है या ये बाकी चीज़ें हैं जो मुल्की दिफा चाहे बैरूनी हो या अंदरूनी हो उस हवाले से ये जो सर्विलेंस की जो हमारी एक कैपेबिलिटी है उस पे जो भी ब्रीफिंग है वो इन कैमरा कर दी जाए। और ये मैं बिल्कुल इस बात का मैं समझता हूँ कि कोई ना हुकूमत ना कोई और रियासती इदारा किसी भी तरह से अदलिया के या किसी अदलिया के जो उनका काम है जो उनके आइनी फराइज हैं उसमें मदाखलत ना कर सकता है ना करता है। और ये तासुर जो है इसकी मैं पुरजोर तरीके से इसकी नफी करता हूँ। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान जो चवण है तो पाकिस्तान गुजरल 45 वर्षन का सिक्योरिटी मसलन के मुंह दई रो है। हसास मामलन में राबता जरूरी हूँ तासुर दिनों पे वे तो एग्जेक्टिव विच में लागापा खराब आन हुकूमत या को बो रियाती इदारों अदलिया के कम में मुदाखलत नो कर सके।